नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। सिंगरौली जिले में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सिंगरौली के बैठन में सिंगरौली विधानसभा प्रत्याशी व आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, चितरंगी विधानसभा के प्रत्याशी महादेव सिंह व देवसर विधानसभा के प्रत्याशी रति भान साकेत के समर्थन में रोड शो किया व रोड शो के दौरान जनता से तीनों प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1.5 साल पहले मैं यहां इसी जगह पर आया था और रानी अग्रवाल नगर निगम सिंगरौली का महापौर चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए वोट मांगा था। आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। रानी अग्रवाल आज महापौर हैं, इन्होंने नगर निगम में बहुत काम किया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगरौली के विकास के लिए रानी अग्रवाल हमेशा चिंतित रहती हैं। उन्होंने सिंगरौली के विकास के लिए हमसे मदद मांगी तो हमने कहा कि हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमको भाजपा दिल्ली में काम नहीं करने दे रही, सिंगरौली में रानी अग्रवाल को काम नहीं करने दे रही। हम कभी भी जेल जा सकते हैं लेकिन जनता के दिलों में हमेशा रहेंगे। आप लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में बिजली फ्री की, दिल्ली में हमने बहुत काम किया, इसलिए जनता हमको बार बार चुनाव जितवा रही है। इसलिए आप लोग मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाएं। अस्पताल में इलाज कराने, बिजली फ्री कर दी इन्होंने, पूरे पंजाब में बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में फैलने लग गया, घर घर में फैलने लग गया। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं हम, खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी, बिजली भी मुफ्त, सड़कें भी बन रही है। उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं 1.25 साल पहले आपके बीच में आया और आपने अपनी बेटी रानी अग्रवाल को आशीर्वाद दिया, 1.25 साल से लगी हुई है। आप ही लोग बताना, अभी बता रही थी हर वार्ड के अंदर सड़कें बन रही हैं, बन रही हैं, हर वार्ड के अंदर नालियां बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, कितने सारे काम गिनाए। लेकिन बड़ी चीज ये है, ये मेरे पास आई थी अभी कुछ महीने पहले, मुझे आके कहती है ये बीजेपी वाले मेरे को काम नहीं करने देते, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए, ये मेरे को फंड नहीं देते, मैं मोहल्ला क्लिनिक भी खोलना चाहती हूँ अपने सिंगरौली में। अरविंद जी, आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप मेरे को कुछ फंड दे सकते हो क्या? सोचो, इस सिंगरौली की मेयर दिल्ली फंड लेने पहुंच गई मेरे पास आप लोगों के लिए, इतना इसके लिए दर्द है इनके मन में आप लोगों के लिए। तो मैंने इनको समझाया, बहन दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली के पैसे सिंगरौली में लग नहीं सकते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिंगरौली की मेयर जो है इतना उनका दिल नहीं, तो कौन पूछता है, चुनाव जीतने के बाद तो पैसे कमाने में लग जाते हैं, तो कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, लेकिन वो काम करना चाहती है आप लोगों के लिए। कहती है ये बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, मैंने कहा ये किसी को नहीं करने देते, ये मेरे को भी नहीं करने देते दिल्ली में, पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में, मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, ना खुद कुछ करते ना दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? करते हैं ये आपस में बांटते हैं, लेकिन मैं रोड शो जो यहाँ से चला शुरू हुआ यहाँ तक, अगर आप एक बार दोबारा जाएं ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाएं। भाई साहब, ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है, एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहेगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब, हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा लेते हैं यार, ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता
बड़ा दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश के लिए आगे आइए आप, आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो, 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया है भाई साहब। तो ये कहते हैं हम वोटर खरीद लेंगे, हम इनको खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मेरे पास बीजेपी वाला आया है, कहता जी हम झंडे लगा देंगे सिंगरौली में, रातों रात हम लाखों की गिनती में घर पे दुकानों पे झंडे लगा देंगे बीजेपी के। कहता जब झंडा लग जाता है दुकान पर या मकान पर तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतने भी लोगों को कमले, लोगों को बुद्धू मत समझो, ये लोग हैं घर पे झंडा और का, दुकान पे किसी और का, स्कूटर पे स्टिकर और का, गाड़ी में किसी और का, रैली में किसी और की, और अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना, आप कर देना इस बार बस। इनकी रैली में भी जा ना, देखा ना कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ झाड़ू आते हुए झाड़ू चलाना है। और मैं वादा करता हूँ धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा, आप जैसे लोगों को मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि सोच मिलती है। इनकलाबी लोग हो आप लोग, मैं भी पंजाब की इनकलाबी धरती से आया हूँ, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब।